Now we will see what is graphical representation of displacement, velocity and acceleration in SHF. Okay? So we'll solve both the cases that when particle is starting from mean position, matlab when time t equal to 0, what is position of the particle, correct? तो उसके लिए first we'll note down equations. हमको equations पता है, उसी बहाने तुमको बाहर भी हो जाएगा, एक list मिलेगी formulas की. x equal to a sin omega t, याद है हम लोगों ने लिखा था कि when particle is starting from mean position, that is at t equal to 0, अगर particle mean position पे है and it is moving towards right, तो phi का value कितना होगा? 0, करेक्ट है. therefore velocity v, इक्वेशन क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, दैट इज a ओमेगा cos ओमेगा t, करेक्ट है. सिमिलरली एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी का डेरिवेटिव, दैट इज माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t. चेक करो सब कुछ सही लिखा है क्या, करेक्ट है, वेरी गुड. नाउ आई विल ड्रॉ टेबल. सो एज वी हैव डिस्कस्ड, जो कंप्लीट SHM मोशन है दैट वी हैव डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल पार्ट्स, करेक्ट है, फ्रॉम सेंटर टू राइट, राइट टू सेंटर, सेंटर टू लेफ्ट एंड अगेन लेफ्ट टू सेंटर. इमेजिन करो अच्छे से. सो दिस इज वन कंप्लीट SHM, दैट इज टोटल टाइम पीरियड कैपिटल T. ठीक है, तो इसको हम लोग चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू t बाई 4, नेक्स्ट t बाई 4 पे ये होगा t बाई 2, नेक्स्ट t बाई 4 3t बाई 4, नेक्स्ट इट विल बी कैपिटल T, और एक एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं अगेन प्लस t बाई 4, दिस विल बी 5t बाई 4, करेक्ट है. ठीक है, तो ये पोजिशंस पर वी विल चेक वॉट इज वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? ओके, सो इक्वेशंस में एज यू कैन सी वी हैव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ओमेगा टी, तो इसलिए नेक्स्ट रो में वी हैव ओमेगा टी, करेक्ट. यहाँ पर आई कैन सिंप्लीफाई दिस, ओमेगा टी इसको कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा इज 2 पाई बाय कैपिटल टी, करेक्ट, इनटू ये स्मॉल टी, तो स्मॉल टी की करस्पॉन्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, व्हेन स्मॉल टी इज 0, ओमेगा टी इज ऑल्सो 0, करेक्ट. स्मॉल टी की जगह पर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नेक्स्ट टी बाई 4, कैपिटल टी बाई 4, तो बताओ कैलकुलेशन क्या होगा. एक कैलकुलेशन आई एम डूइंग ओवर हियर, सो कैपिटल टी बाई 4, सो एक कैपिटल टी विल गेट कैंसिल, ये 2, सो पाई बाय 2, सो दिस विल बी पाई बाय 2, करेक्ट है. सिमिलरली इन प्लेस ऑफ स्मॉल टी सब्स्टिट्यूट टी बाई 2, तो क्या होगा पाई. नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट करो 3t by 4, सो इट विल बी 3 पाई बाई 2, नेक्स्ट विल बी 2 पाई एंड नेक्स्ट विल बी 5 पाई बाई 2. चेक करो अच्छे से, खुद से कैलकुलेशन करो, टेबल मैच करो एंड देन कंटिन्यू. सही है तक? ओके, ठीक है. अभी x के वैल्यूज ऑफ x चेक करो. इन इक्वेशन ऑफ x, a sin omega t, सब्स्टिट्यूट ओमेगा टी के वैल्यूज करस्पॉन्डिंग, दैट इज 0, पहला वैल्यू इज 0, तो साइन 0 इज 0, सो एक्स इज 0. नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 इज 1, सो ये होगा a, करेक्ट. नेक्स्ट पाई, साइन पाई कितना होता है 0, सो एक्स इज 0, करेक्ट है. यहाँ पर हम लोग ओमेगा टी के वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 इज माइनस 1, आई होप कि वैल्यू सबको बताएं, करेक्ट, तो दिस विल बी माइनस a. एक एक वैल्यू के बाद इफ़ यू वांट वीडियो पॉज करो, अच्छे से ग्रास्प करो कि वैल्यूज कैसे आए एंड देन ओनली कंटिन्यू. ठीक है, 2 पाई, साइन 2 पाई कितना होता है 0, साइन 5 पाई बाई 2 इज प्लस 1, तो ये फिर से होगा प्लस a, करेक्ट है. ठीक है, ओके, वेलोसिटी के वैल्यूज देखो, वेलोसिटी के इक्वेशन में ओमेगा टी की जगह पर सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, सो 0, कॉस 0 इज 1, तो ये होगा ए ओमेगा, करेक्ट. देन पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 0,
बराबर कॉस पाई, हम लोग ओमेगा टी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं टेबल से, ठीक है। ओमेगा टी चेक करो अभी, नेक्स्ट कितना है पाई, कॉस पाई इज -1, तो ये होगा माइनस ए ओमेगा, करेक्ट। देन 3π/2, कॉस 3π/2 इज 0, सो दिस विल बी 0। नेक्स्ट कॉस 2π, कॉस 2π इज अगेन +1, सो दिस विल बी प्लस ए ओमेगा। नेक्स्ट कॉस 5π/2, कॉस 5π/2 0, सो वी विल बी 0, करेक्ट है टेबल। अभी नेक्स्ट एसेलरेशन के वैल्यूज चेक करो, इक्वेशन ऑफ एसेलरेशन में यहाँ पर ओमेगा टी सब्स्टिट्यूट करते जाओ। सो फर्स्ट वैल्यू ओमेगा टी इज 0 एंड साइन 0 इज 0, करेक्ट। देन π/2 सब्स्टिट्यूट करो, π/2 साइन π/2 इज 1, तो वहाँ पर सिर्फ बचेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, सही है, ठीक है। तो पॉज करो वीडियो को, वैल्यूज खुद से सब्स्टिट्यूट करो और टेबल मैच करो, ओके। आई होप कि वैल्यू सबके मैच होंगे। अभी एज यू कैन सी एक्स के जो वैल्यूज है दैट लाइज बिटवीन प्लस ए एंड माइनस ए, वेलोसिटी के वैल्यूज लाइज बिटवीन ए ओमेगा एंड माइनस ए ओमेगा, और एसेलरेशन के वैल्यूज लाई बिटवीन ए ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो आई विल ड्रॉ ग्राफ्स, एक लेआउट ड्रॉ करता हूँ, देन वी कैन फिल दीज वैल्यूज। चेक करो लेआउट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। फर्स्ट अपर सेक्शन का ग्राफ चेक करो, एक्स वर्सेस टाइम, करेक्ट। सो एक्स के वैल्यूज लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए, तो एक्स का जो ग्राफ है दैट विल लाई बिटवीन दीज वैल्यूज, ये प्लस ए और माइनस ए, इस सेक्शन के बीच में ग्राफ विल लाई, करेक्ट। तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, चेक करो कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्स के वैल्यूज चेक करो, एट टी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, सब्स्टिट्यूट एट टी इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, फिर एट टी इक्वल टू T/4 टेबल चेक करो और करस्पॉन्डिंग एक्स के वैल्यूज चेक करो, एट टी इक्वल टू T/4 एक्स का वैल्यू इज ए, यहाँ पर प्लस ए। देन टेबल में चेक करो T/2 पे वैल्यू कितना एक्स का, 0, एट 3T/4 एक्स इज माइनस ए, करेक्ट है। एट टी कैपिटल टी एक्स का वैल्यू चेक करो टेबल में, 0, एंड अगेन एट 5T/4 एक्स इज प्लस ए। सो ये पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं एज इट इज अ साइन कर्व, कर्व में इसको ज्वाइन करेंगे। सो दिस विल बी ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, समझ में आ रहा है। सिमिलरली वेलोसिटीज के लिए चेक करो, अभी वेलोसिटी वैल्यूज चेक करो, डायरेक्टली वैल्यूज देखो, वो तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है, वहाँ पर डायरेक्टली चेक करो, पहले वी क्या है ए ओमेगा, मतलब यहाँ पर, देन वी इज चेक करो 0, देन वी इज माइनस ए ओमेगा, फिर 0, फिर प्लस ए ओमेगा एंड देन 0, करेक्ट है क्या, देखो। करो कंटिन्यू, जॉइन दीज पॉइंट्स, सो दिस विल बी ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, या फिर ग्राफ ऑफ वेलोसिटी, समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके एसेलरेशन के लिए चेक करो, अभी पहले एसेलरेशन का वैल्यू इज टेबल में चेक करो, ए इज करेक्ट, ए कितना है 0, फिर ए इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, मतलब यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, देन वैल्यू इज 0, फिर ए ओमेगा स्क्वायर, देन अगेन 0 और फिर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, मैच करो वैल्यूज अच्छे से एंड देन जॉइन दीज पॉइंट्स। वी विल गेट ग्राफ ऑफ एसेलरेशन वर्सेस टाइम, समझ में आ रहा है।
ठीक है, अभी चेक करो कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्राफ्स के कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करो। एज यू कैन सी, ये जो एक्स का इक्वेशन है सी यहाँ पर इज साइन फंक्शन साइन ओमेगा टी, करेक्ट है? इसलिए एक्स का ग्राफ इज साइन फंक्शन, साइन का ग्राफ ऐसे ही होता है। वेलोसिटी इज कॉस फंक्शन कॉस ओमेगा टी, कॉस का ग्राफ कैसे होगा? ये ऊपर से स्टार्ट होगा, तो ऊपर से स्टार्ट होके अगेन हार्मोनिक फंक्शन, करेक्ट? एक्सेलरेशन का ग्राफ इज साइन ओमेगा टी, करेक्ट? लेकिन यहाँ पर वी हैव नेगेटिव साइन, इसलिए इन्वर्टेड साइन कर्व होगा, तो ये ऐसे नीचे से स्टार्ट होगा, करेक्ट है? इजी अंडरस्टैंडिंग। सो ऑल दीज थ्री क्वांटिटीज, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेरी हार्मोनिकली विथ टाइम, हैविंग सेम टाइम पीरियड। तो एज यू कैन सी एट टी इक्वल टू कैपिटल टी, एक्स का ग्राफ चेक करो यहाँ पर, एट टी इक्वल टू कैपिटल टी, इसके बाद फिर से ग्राफ रिपीट हुआ है, बराबर? सेम कर्व फिर से रिपीट होगा वेलोसिटी के लिए भी, एट टी इक्वल टू कैपिटल टी यहाँ पर, इसके बाद सेम ग्राफ सेम कर्व फिर से रिपीट होगा, और इसके लिए भी एट टी इक्वल टू कैपिटल टी, मतलब सारे हार्मोनिकली वेरिंग है विद टाइम, और सबका टाइम पीरियड क्या है? सेम है, करेक्ट? मैक्सिमम वेलोसिटी इज ओमेगा ए, यहाँ पर ग्राफ में देखो मैक्सिमम वेलोसिटी इज ओमेगा ए, एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर ए, करेक्ट? ठीक है, अभी ये इंपॉर्टेंट है, चेक करो अच्छे से। वेलोसिटी इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय फेज पाई बाय टू, मीनिंग चेक करो अभी इसका। वेलोसिटी इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय फेज एंगल पाई बाय टू, मतलब सी ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ चेक करो। अगर मैं ये लूँ टी बाई फोर, ये लाइन बराबर, ये लाइन के पहले का अगर मैं गायब करूँ, करेक्ट? ये लाइन के आगे का चेक करो, वेलोसिटी का कर्व दिखाई दे रहा है? ये लाइन के आगे से क्या दिखाई देगा? वेलोसिटी का कर्व, मतलब वेलोसिटी का जो कर्व है वो इतने सेक्शन से आगे है, किससे? डिस्प्लेसमेंट से, और दिस सेक्शन इज नथिंग बट टी बाई फोर। ग्राफ में चेक करो, टी बाई फोर मतलब क्या? पाई बाय टू। तो ये पॉइंट्स लिख लो कि वेलोसिटी इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय एंगल पाई बाय टू। अभी चेक करो एक्सेलरेशन, तो तुम लोग मुझे खुद बताओ एक्सेलरेशन वेलोसिटी के कितने आगे है? वेलोसिटी के ग्राफ में चेक करो, अगर मुझे एक्सेलरेशन का ग्राफ लाना है तो कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? सी अगर ये लाइन के आगे देखूं तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ वेलोसिटी बाय दिस सेक्शन, ये सेक्शन इज टी बाई फोर, और टी बाई फोर मीन्स पाई बाई टू, सो एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ वेलोसिटी बाय पाई बाय टू, करेक्ट? अभी लास्ट मुझे ये बताओ एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से कितना आगे है? बाय हाउ मच फेज एंगल इज एक्सेलरेशन अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? अभी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ चेक करो और मुझे बताओ एक्सेलरेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये इसके आगे चेक करो, ये लाइन के आगे, तो मुझे एज इट इज एक्सेलरेशन का कर्व दिखेगा, चेक करो। इसके पहले जो भी है वो हैंड से इनविजिबल कर दो, बराबर? उस पर हैंड रखो और सिर्फ आगे का कर्व चेक करो, तुमको एक्सेलरेशन का कर्व दिखेगा, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज अहेड। कितने सेक्शन से? ये दो सेक्शन से इट इज़ अहेड, दैट मीन्स इट इज़ अहेड बाय टी बाई टू, और ग्राफ में टेबल में चेक करो टी बाई टू मतलब कितना फेज एंगल? पाई। सो एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय फेज एंगल पाई, समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छे से देखो, पॉज दिस वीडियो एंड देन कंटिन्यू। ओके, तो क्विकली ये सेकेंड केस भी सॉल्व कर लेते हैं। व्हेन पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजिशन एट टी इक्वल टू जीरो, तो राइट एक्सट्रीम पर व्हेन टी इक्वल टू जीरो, ठीक है? सो आई एम राइटिंग ओवर हियर, सो एट टी इक्वल टू जीरो राइट एक्सट्रीम, करेक्ट? तो ये केस हम लोग यहाँ पर करेंगे। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एट राइट एक्सट्रीम व्हेन टी इक्वल टू जीरो, तो फेज एंगल कितना था? इनिशियल फेज वॉज पाई बाई टू, करेक्ट है? तो इक्वेशन क्या बना था अपना, याद करो, इक्वेशन वॉज एक्स इक्वल टू
ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, दैट इज साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो वो होता है फिर कॉस ओमेगा टी. एम आई करेक्ट? करेक्ट है. सो मेन टास्क इज टू फाइंड व्हाट इज इक्वेशन ऑफ SHM फॉर द पार्टिकल. मतलब कोई भी अगर स्टार्टिंग पोजिशन गिवन होगा, फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड व्हाट इज फाई, सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू ऑफ फाई, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स. तो हमेशा याद रखो, एट टी इक्वल टू जीरो इफ द पार्टिकल इज स्टार्टिंग SHM फ्रॉम राइट एक्सट्रीम, एक्स का इक्वेशन क्या यूज करना है, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी. ये डिफरेंस काफी याद रखो, बिकॉज मैक्सिमम टाइम्स स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजिशन और स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन, ये दो केसेस ही होते हैं. बराबर. तो स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजिशन के लिए यूज एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी टूवर्ड्स राइट, और स्टार्टिंग फ्रॉम राइट एक्सट्रीम के लिए ए कॉस ओमेगा टी. एम आई क्लियर? ठीक है. तो क्विकली इसका डेरिवेटिव लो, वी विल गेट वेलोसिटी. तो ये होगा ए कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी. तो ये ओमेगा, इसका डेरिवेटिव लेते फिर से एक बार, वी विल गेट एक्सेलरेशन. सो इट विल बी माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी, यहाँ पर एक ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर. सही है इक्वेशंस? ठीक है. तो अभी आई सजेस्ट कि वीडियो को पॉज करो, टेबल खुद से फिल करो, और ये जो ग्राफ्स है थ्री ग्राफ्स खुद से एक बार ट्राई करो, एंड देन अगेन रिज्यूम द वीडियो टू चेक कहाँ पर मिस्टेक हुआ है. ठीक है. ओके. सो आई क्विकली फिल दिस वैल्यूज. पिछले केस में मैंने एक्सप्लेन किया था कैसे फिल करना है, तो यहाँ पर आई विल नॉट वेस्ट मच टाइम. ओमेगा टी जीरो पहले एक्स में सब्स्टिट्यूट करते, ओमेगा टी यहाँ पर कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो वन, तो सिर्फ ए, फिर पाई बाई टू जीरो, फिर माइनस ए जीरो ए जीरो. करेक्ट. वी का इक्वेशन चेक करो, ओमेगा टी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, ओमेगा टी के वैल्यूज, पहले ओमेगा टी इज जीरो, साइन जीरो इज जीरो, फिर पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू वन, तो ये माइनस ए ओमेगा. करेक्ट. फिर जीरो ए ओमेगा जीरो माइनस ए ओमेगा. करेक्ट. एक्सेलरेशन में सब्स्टिट्यूट करो, ओमेगा टी पहले जीरो यहाँ पर कॉस जीरो इज वन, सो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, फिर सब्स्टिट्यूट पाई बाई टू जीरो, फिर पाई मतलब माइनस वन होगा, तो फाइनल आंसर विल बी प्लस. सो प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, फिर जीरो, फिर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर एंड देन जीरो. करेक्ट. पॉइंट्स प्लॉट करो ग्राफ पर, एक्स का ग्राफ चेक करो, एक्स के वैल्यूज चेक करो कैसे, ए जीरो माइनस ए जीरो ए जीरो दिखाई दे रहे यहाँ पर एक्स के वैल्यूज. सी ए जीरो माइनस ए जीरो ए जीरो. सो प्लॉट करो, ए जीरो माइनस ए जीरो ए जीरो. करेक्ट. तो जॉइन दिस पॉइंट्स. सो एज वी कैन सी इक्वेशन इज कॉस इक्वेशन. एक्स का इक्वेशन चेक करो, इट इज कॉस ओमेगा टी, तो ग्राफ इज ऑल्सो कॉस कर्व. करेक्ट. वी का इक्वेशन चेक करो, वी का ग्राफ वैल्यूज चेक करो यहाँ पर, जीरो फिर माइनस ए ओमेगा जीरो ए ओमेगा, तो ये पॉइंट्स यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं. ठीक है. सो जीरो माइनस ए ओमेगा जीरो ए ओमेगा जीरो माइनस ए ओमेगा. करेक्ट. सो जॉइन दीज पॉइंट्स. सही है. ठीक है. सिमिलरली ए के पॉइंट्स चेक करो, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर जीरो ए ओमेगा स्क्वायर जीरो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर जीरो. बराबर है. सो जॉइन दिस पॉइंट्स. ठीक है. सो दीज आर ग्राफ्स ऑफ
डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एसेलरेशन। तो जो पिछले केस में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे, सिमिलरली इसके लिए खुद से कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, सेम पॉइंट्स, एंड देन दिस टॉपिक विल बी कंप्लीटेड। एम आई क्लियर? वेरी गुड।